अगर तुम इस कमरे में कदम रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां कोई भी वापस नहीं आता। तुम उस कमरे के बारे में तो जानते ही हो ना, लोग कहते हैं जिसने भी वहां कदम रखा कभी वापस नहीं आया। रमेश के कानों में ये शब्द रह रहकर गूंज रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने धीमे स्वर में यह बात कही थी, मानो किसी भयानक रहस्य को उजागर कर रहे हों। उस वक्त रमेश ने इसे महज कहानी समझा था, एक पुरानी अंधविश्वास की तरह, पर अब अजीब सी बेचैनी ने उसके मन को जकड़ लिया था। रमेश एक उत्साही लेखक था जो रहस्यमी और अनसुलझी कहानियों की खोज में हमेशा लगा रहता था। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थी, बहुत सी कहानियां सुनी थी, पर अब उसे अपनी अगली कहानी के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो किसी ने न लिखा हो। वह कुछ वास्तविक, कुछ ऐसा अनुभव करना चाहता था जिसे वह खुद को चुनौती दे सके। यही सोचकर उसने गांव उस पुराने सुनसान घर में जाने का फैसला किया जिसके बारे में हर कोई डर से बात करता था। कालकार में शुरुआत। गांव से कुछ मील की दूरी पर खड़ा वह घर वर्षों से वीरान पड़ा था। वहां कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था। घर के चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां उगाई थीं, जो इसे और भी भयानक बनाती थीं। कहा जाता था कि घर के अंदर एक ऐसा कमरा है जहां कदम रखते ही लोग गायब हो जाते हैं। रमेश को इस पर यकीन नहीं था, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा और कुछ सच्चाई खोजने की धुन ने उसे उस घर की ओर खींच लिया। शाम का वक्त था जब उसने वहां कदम रखा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति का साया हो। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही उसे हल्का सा झटका लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और सिर्फ पुरानी लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हवा में नमी और घुटन थी, मानो वहां सालों से कोई ना आया हो। कमरे में घुसते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने टॉर्च निकाली और घर का मुआयना करना शुरू किया। घर में सब कुछ बिखरा हुआ था, पुरानी कुर्सियां, फटी हुई तस्वीरें, धूल भरी किताबें। ऐसा लग रहा था कि यहां कभी कोई रहता था, पर अब सिर्फ खंडहर ही बाकी थे। तहखाने की रहस्यमी दरवाजे की आवाज। रमेश ने धीरे धीरे हर कमरे का मुआयना किया। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा है जो तहखाने की ओर जाता था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और उसमें से एक अजीब सी सरसराहट आ रही थी, मानो कोई अंदर फुसफुसा रहा हो। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह अटक गया था। उसने जोर लगाया और दरवाजा चरमराते हुए खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, उसे तहखाने से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने टॉर्च को अंदर की ओर घुमाया, पर उसकी रोशनी भी वहां की घुटन को नहीं हटा सकी। तहखाने की सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चिघारती आवाजें कर रही थीं। रमेश के दिल की धड़कनें अब और तेज हो गई थीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और अंदर की ओर खींच रही थी। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, उसने देखा कि तहखाने के कोने में एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की अलमारी थी। उस अलमारी के पास पहुंचते ही रमेश को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक गई हों। उसने महसूस किया कि वहां कुछ बहुत ही गलत था, लेकिन फिर भी उसने अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा का स्पर्श हुआ। रमेश ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। काला जादू। रमेश ने अपनी टॉर्च को एक बार फिर उस अंधेरे में घुमाया और अचानक उसे अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब दिखाई दी। वह किताब काली थी और उस पर लाल रंग से कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे। रमेश ने उसे उठाया और जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना खोला, कमरे की सारी बत्तियां अपने आप जल बुझने लगीं। उस किताब में कुछ अजीब शब्द लिखे हुए थे जो रमेश ने पहले कभी ही देखे थे। वह शब्द किसी प्राचीन भाषा के लग रहे थे और जैसे ही उसने उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुम यहां नहीं आ सकते थे, अब तुम्हारा अंत तय हो चुका है। रमेश का सिर अचानक भारी होने लगा, उसे चक्कर आने लगे। कमरा उसके चारों ओर घूमने लगा और दीवारें करीब आती हुई महसूस हुईं। उसने किताब को वहीं छोड़ दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन खाने का दरवाजा बंद हो गया था। अब वह फंस चुका था। तभी एक तेज झोंका उसके बगल से गुजरा और उसने देखा कि अलमारी के अंदर से काले धुएं की एक लहर निकल रही थी। वह धुआं हवा में घुलने लगा और रमेश को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खींचा और आखिरी बार वह दरवाजा खुल गया। वह तेजी से ऊपर की ओर भागा, पर जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने जोर से खींच लिया। उसने मुड़कर देखा
और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके पीछे कोई काली परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने अपनी टॉर्च गिरा दी और तेजी से घर से बाहर भागा। वह बाहर निकलने में सफल हो गया पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में खौफ था। उसने पलटकर देखा और देखा कि परछाई अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, उसे घूर रही थी। वह दौड़ते हुए गांव पहुंचा और सीधे उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया जिसने उसे चेतावनी दी थी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे बचाओ, वह पीछे आ रहा है, रमेश ने हांफते हुए कहा। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने काले कमरे में कदम रखा है, अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। रमेश की आंखें चौड़ी हो गई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। क्या वह सच में अब कभी वापस नहीं आ पाएगा? कहानी का विस्तार और अगले हिस्से ये केवल कहानी की शुरुआत है और अब इसे और खौफनाक बनाने के लिए रमेश के जीवन में काले जादू के असर को गहराई से दिखाया जा सकता है। जैसे कि अब उसके चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगेंगी। वह जहां भी जाएगा उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई उसे देख रहा है या उसकी मौत का समय करीब आ रहा है। रमेश मानसिक रूप से टूटने लगेगा और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। धीरे धीरे उसकी पहचान खोने लगेगी और गांव वाले उसे देखना भी बंद कर देंगे।